गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एज अ सब्जेक्ट चैप्टर 8 दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एंड ड्यू टू कोविड-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 7 एंड टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर 8 विच नेम इज दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द सिचुएशन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. इट मीन्स मिडल ऑफ द पीरियड. वॉट वॉज द सिचुएशन ऑफ द दिल्ली. Let's read the para first. Bhagwati Ben went on a tour of North India and she was interested in history and so she noted down informations about the ruler of Delhi in her diary. This tour diary was read out in the classroom. What was read out is as below. तो देखो भगवती बहन नाम की एक कैरेक्टर बनाया गया है इसमें. तो भगवती बहन जो होती है एक दिन जो है टूर पे जाती है नॉर्थ इंडिया के साइड पे और वो जो है उनको जो है बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी डायरी में लिखती है जिसमें उन्होंने क्या लिखा होता है तो दिल्ली के राजाओं के बारे में लिखा होता है कि कौन कौन दिल्ली में राज करके गया था उस समय पे पुराने ज़माने में. तो वो सब चीज़ें जो है डायरी में उन्होंने नोट की थी. दिस टूर डायरी वॉज रीड आउट इन द क्लासरूम. और वही चीज़ जो है यानी भगवती बहन जो है वो टीचर भी थी और इसी के लिए जब वो क्लासरूम में जाती है तो उसी डायरी में से रीड करके बच्चों को बताती है उसके बारे में. ठीक है तो क्या रीड करती है उसके बारे में हम जानते हैं. तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी. स्लेव का मतलब होता है गुलाम और डायनेस्टी यानी समाज. ठीक है द दिल्ली सुल्तानेट वॉज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th century 1206 century आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव बिकम द कमांडर. तो देखो दिल्ली के सुल्तान की बात करेंगे तो 13th century के बिगिनिंग में है. ठीक है उनके शुरुआत में जो है गौरी की डेथ के बाद उनके जो लॉयल स्लेव थे यानी सेवक थे ठीक है यानी गुलाम थे जो उनके कमांडर थे उनको जो है दिल्ली का राज संभालने दे दिया गया था. ठीक है यानी दिल्ली के जो पहले के राजा थे उसके मौत के बाद उनके जो ईमानदार कमांडर थे उन्होंने वो गद्दी को संभाला था. ठीक है थर्स द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली. और यहाँ से ही जो है सेवक लोगों का राज चालू हुआ था. ठीक है ना स्लेव समाज वालों का राज चालू हुआ था यहाँ पे राजा बनने का. ठीक है और इसी तरह से दिल्ली में उनका राज चालू हुआ. उसके बाद वाला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे. थ्रू ही फेस मैनी डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग हिज पावर इन इंडिया ही मैनेज टू प्रोवाइड ए स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. ही हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मीनार. ही हिज सन इन लॉ इतुतमिस हु सक्सीडेड हिम कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्टेड ऑफ दैट मीनार. द मीनार दिस मीनार्स विच केम टू नोन एज द फेमस कुतुब मीनार. तो यहाँ देखो तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी जहाँ पे एक राजा के सेवक जो थे पहली बार राजा बने थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब राज्य को संभाला था और उसके बाद उन्होंने ऐसे मीनार भी बनाए थे. ठीक है और वो मीनार की बनवाने की शुरुआत किसने की थी तो वो कमांडर ने और उसके बाद उनके सन इन लॉ जो है उस मीनार को पूरा करते हैं और उसी मीनार को क्या बोला जाता है तो कुतुब मीनार. ठीक है द आर्किटेक्चर स्टाइल इन विच कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल. तो देखो जो कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर वर्क किया गया है वो दोनों ही स्टाइल में बनाया गया है. एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम. ठीक है दोनों स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है कुतुब मीनार को बनाने के लिए. और दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सुल्तानेट एज. और इसी यानी इसी जगह को जो है उस समय पे कैपिटल यानी मेन हेडक्वार्टर माना जाता था सुल्तानेट लोगों का. इतुतमिस की बात करें तो वो भी स्टार्टिंग में जो थे एक स्लेव थे यानी सेवक ही थे और ही यानी गुलाम थे. ही कॉन्क्वर्ड मैनी टेरिटरी और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारी जगह पे जो है युद्ध करके वो राज्य को जीत लिया था इंडिया में. ठीक है एंड मेड देम ए पार्ट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट. और उसके बाद बहुत सारी जगह पे जहाँ उन्होंने कब्जा डाल दिया उसके बाद जो है उस जगह को जो है दिल्ली के राज्य में शामिल कर लिया गया. ठीक है और इसी तरह से इतुतमिस को जो है फाउंडर भी कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का. ठीक है और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान और उन्होंने भी राज्य संभाला था. किसके बाद तो इतुतमिस के डेथ के बाद. तो इतुतमिस की डेथ कब हुई थी तो 1236 century में हुई थी और उसके बाद रजिया जो थी एक फीमेल थी. फीमेल होने के बावजूद भी जो है उसे राजा बनने का मौका मिला था. ठीक है और वहाँ की सुल्तान बन गई थी इसी की वजह से उनका नाम क्या था तो रजिया सुल्तान. ठीक है और उन्होंने दिल्ली में राज किया था और रजिया जो थी वो इतनी अच्छी अच्छी सुल्तान बनी थी और वो थोड़े पहले यानी स्टार्टिंग में जो थी ना वो
आदमी के भेष में ही रहा करती थी, जिसके वजह से सब लोगों को ऐसा लगता था कि रजिया सुल्तान जो है वो एक आदमी है, ठीक है, मगर वो आदमी नहीं था, वो एक औरत थी जो आदमी के पोशाक पहन के बैठी रहती थी, ठीक है, उस जगह पे। और अकॉर्डिंग टू ए हिस्टोरियंस ऑफ द टाइम मीना से सिराज, रजिया वॉज ए मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर देन हर ब्रदर। और अगर एक हिस्टोरियन की बात कहे उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि रजिया जो थी ना वो उसके भाई से भी ज़्यादा कैपेबल थी, ठीक है, यानी वो राज्य को और भी अच्छी तरह से संभाल सकती थी जितने उनके भाई नहीं संभाल सकते थे, ठीक है, यानी उनमें ज़्यादा खूबियाँ थी जिसकी वजह से वो राज्य को और भी अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से चला सकती थी। हाउएवर बीइंग ए वुमन ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज ए रूलर, और वुमन के हिसाब से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और इसी के वजह से यानी वो लड़की थी इसी की वजह से उसके एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और उसके बाद जो है मतलब जब तक वो मेल के पोशाक में थी तब तक लोग जो है उसे पसंद करते थे, मगर जैसे ही उसने ये राज बाहर आया कि रजिया सुल्तान जो है वो एक लड़की है, तो उसके बाद जो है उसे अपनाया नहीं गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं थिंग्स टू नो में कि पोजीशन ऑफ मैन एंड वुमन्स इज इक्वल इन सोसाइटी, देन व्हाई वाज रजिया सुल्तान नॉट एक्सेप्टेड एज ए रिजल्ट। तो देखो आज के समाज में ऐसा माना जाता है कि आदमी और औरत दोनों इक्वल है, तो ऐसा क्यों था कि पहले के ज़माने में जो थे रजिया सुल्तान को एक्सेप्ट नहीं किया गया था लड़की के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो लड़की थी इसलिए उसे राजा बनने नहीं दिया गया था। क्यों उसको राजा बनने नहीं दिया गया, तो उसके पीछे हम देख सकते हैं कि पहले ऐसा माना जाता था कि आदमी लोग जो है वो ऊपर है और लड़कियों को जो है उसको दबा के रखा जाता था उस समय पर, ठीक है, और आज का समाज ऐसा मानता है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे सब सेक्टर में आजकल जो है मैन और वुमन एक ही स्टेटस पे आ गई है और दोनों की इक्वल पोजीशन है इस समाज में, ठीक है, मगर पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, इसी के वजह से जो है रजिया सुल्तान को एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस समय पे। तो देखो सबसे पहले जिसने रजिया सुल्तान को नापसंद किया था सुल्तान के हिसाब से वो कौन थे, तो आमिर उमराउस, ठीक है, आमिर उमराउस जो थे वो रजिया से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे और इसी के वजह से रजिया का जो राज था वो ख़त्म हो गया आमिर के इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है, यानी वो उनकी बातों के बीच में आके उन्होंने लोगों को भड़काया और उसी की वजह से रजिया का जो रूल था राज था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और देयर वॉज कम्प्लीट डिसऑर्डर इन द सुल्तानेट फॉर 6 ईयर आफ्टर हर डेथ, और रजिया सुल्तान की मौत के बाद जो है वो राज्य संभला नहीं 6 साल तक, ठीक है, 6 साल तक जो है वो संभल नहीं पाया। एट लास्ट द आमिर एंट्रोन नसरुद्दीन द सन ऑफ इतुतमिस, एंड उसके बाद देखो तो आमिर ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, रजिया को तो हटा दिया क्योंकि रजिया जो थी वो सबसे पावरफुल थी और उसके मौत के बाद वो राज्य जो है बहुत कमज़ोर हो चुका था, और इसका फ़ायदा आमिर ने उठा लिया और उसने इतुतमिस के लड़के को मार दिया जिसका नाम था नसीरुद्दीन, ठीक है, उसके हाथ से ये राज्य छीन लिया और उसके बाद उसने जो है 21 साल तक वहाँ राज किया, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ गयासुद्दीन बलबन एसेंडेड द थ्रोन, और उसके बाद यानी आमिर की डेथ के बाद गयासुद्दीन बलबन जो थे उन्होंने दिल्ली के राज्य को संभाला और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर भी कहलाए जाते थे, और हु ब्रॉट एन एंड टू द डिसऑर्डर, और उसके बाद जो सुल्तानेट राज, ठीक है, सुल्तान लोगों का राज जो है वो थोड़ा स्टेबल हो गया और सारे चार ही जगह पे जो है शांति बन गई थी, ठीक है। और बलबन कौन था, तो देखो बलबन जो उसके बाद यानी क्या बोलते आमिर के बाद नसरुद्दीन बना, नसरुद्दीन के सन को हटाने के बाद आमिर राजा बना था, फिर आमिर के मौत के बाद गयासुद्दीन बलबन जो है वो राज्य को संभालने लगा, और गयासुद्दीन बलबन जो थे वो कौन थे, तो नसरुद्दीन के सैनिक थे, ठीक है, यानी वजीर थे, और सस्पेंड सब्सिक्वेंटली ही रूल हैज सुल्तान फॉर 22 ईयर्स। तो देखो आमिर ने जो 21 साल तक राज किया था, उसके बाद गयासुद्दीन आए, और गयासुद्दीन बलबन कौन थे, तो नसरुद्दीन जो थे उनके वजीर थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने भी कितने साल तक राज किया था, तो उसने भी जो है 22 साल तक वहाँ पे राज किया था सुल्तान के रूप में, और वजीर के रूप में नसरुद्दीन के अंडर उन्होंने कितने साल काम किया था, तो 20 साल तक, ठीक है। और हिज डिसेंडेड वॉज वेर वीक एंड द खिलजी डायनेस्टी, और उसके बाद जो है राज्य थोड़ा कमज़ोर हो गया, ठीक है, 22 साल राज होने के बाद बलबन के मौत के बाद वो राज्य बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, और उस राज्य को किसने हत्या लिया, तो खिलजी समाज वालों ने, ठीक है।
हमने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, यानी वो खिलजी समाज वालों ने जो है फिर उसके बाद उस सुल्तान राज को ख़त्म किया और उस जगह पे खिलजी समाज वालों का राज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब थिंग्स टू नो में देखेंगे रजिया सुल्तान, ठीक है। थिंग्स टू नो में रजिया सुल्तान इंस्क्रिप्ट ऑन स्टोन्स एंड कॉइन्स दैट सी वॉज इतुतमिस डॉटर। द काकातिया डायनेस्टी यूज टू रूल ओवर वारंगल इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश। द एटीट्यूड ऑफ क्वीन रुद्रामती देवी, रुद्रमा देवी, 1259-1289 सेंचुरी ए रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज एग्जैक्टली टू द ऑपोजिट टू दैट ऑफ रजिया सुल्ताना। तो देखो, रजिया सुल्तान जिस तरह से मेल का रूप लेके जो है राज्य को संभाल रही थी, और उसके बाद जब उसका राज खुला तो किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और रजिया सुल्तान कौन थी? तो इतुतमिस की लड़की थी, और उसने ये सब चीज़ें जो है एक स्टोन में, यानी अपने लाइफ के बारे में जो है एक स्टोन इंस्क्रिप्शन में लिखा था, ठीक है। और उन्हें उस समय पे उन्होंने बहुत सारे कॉइन पे भी उसके बारे में लिखा हुआ था। और उसी की तरह एक और रानी थी जिसका नाम था क्वीन रुद्रमा देवी, जिसने राज किया था 1259 से लेकर 1289 सेंचुरी तक। वो भी मेल के रूप में ही राज कर रही थी, मगर रजिया सुल्तान से वो ज़्यादा हिम्मत वाली थी, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन भी बना के रखा था जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा था, ठीक है। और सी एनक्रेव हर नेम लाइक ए मैन, ठीक है। और उसने अपना नाम जो है एक आदमी की तरह ही लिखा था उसमें। सिमिलरली देयर वॉज ए क्वीन दिगा, ठीक है। तो ऐसा हम रजिया सुल्तान जैसे ही बहुत सारे ऐसे रानियों की बात कर रहे हैं जो बहुत ही बहादुर थी, और उन्होंने मेल के रूप में जो है राज्य को संभाला था पहले, यानी उनका राज किसी को पता नहीं था, ठीक है। तो पहला रजिया सुल्तान थी, दूसरी थी क्वीन रुद्रमा देवी, और तीसरी है क्वीन दीदा, ठीक है, जो कश्मीर की रानी थी, ठीक है, और उसे दीदी कहा जाता था। उसके बाद खिलजी समाज की बात करेंगे, तो विद इन 4 ईयर ऑफ बलबन्स डेथ, तो देखो खिलजी समाज का राज चालू हुआ, उसके बाद बलबन के मौत के बाद 4 साल के अंदर ही जो है, ठीक है, 4 साल के अंदर जो है खिलजी समाज जो है दिल्ली पे राज करने लग गई थी, ठीक है। द तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान इज नोन एज खिलजीस, ठीक है। तो खिलजीस किसे कहा जाता है? जो तुर्की लोग होते, तुर्की समाज के लोग, वो अगर खिलजी से बिलोंग करते, जो अफगानिस्तान का एक राज्य है, तो उसे खिलजीस कहा जाता है, ठीक है। जैसे जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो उन्होंने जो है स्लेव डायनेस्टी को जो है ख़त्म किया, ठीक है, यानी गुलाम जो समाज था उसको पूरी तरह से ख़त्म किया, और उसके जगह पे उन्होंने अपना नया समाज की शुरुआत की जो है खिलजी समाज, ठीक है। और 1296 सेंचुरी में जो है अलाउद्दीन खिलजी हु वॉज बोथ हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ, ठीक है। तो जलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो कौन थे? तो उनके नेफ्यू थे, ठीक है, यानी उनके सन इन लॉ और नेफ्यू दोनों थे, भांजे भी थे और साथ साथ में सन इन लॉ भी थे। और उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया था, जलालुद्दीन की जगह को छीन ली, और उसके बाद खुद जो है दिल्ली के राजा बन गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना, वो बहुत ही एम्बिशियस थे, और बहुत सारी चीज़ों, यानी ऐसी चीज़ जो भी चीज़ वो ठानते थे ना, उसे पाके ही रहते थे, ठीक है, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। और ही कंट्रोल द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमास एंड उमराउस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उन्होंने उलेमास जो दूसरे थे, दूसरे समाज के थे, और उमराउस जो दूसरे समाज के थे, उनके राज्य को भी अपने कंट्रोल में करके रखा था। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना, उन्होंने ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए थे जिससे प्राइस हमेशा कंट्रोल रहती थी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में किसने लिखा था? तो एक फेमस पोएट थे जिसका नाम था आमिर खुसरो, ठीक है। और आमिर खुसरो जो है उनके दरबार के बहुत ही अच्छे कवि थे, ठीक है। और देयर वॉज कम्प्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ, तो देखो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई उसके बाद वो राज्य जो है पूरी तरह से गड़बड़ा गया, ठीक है। एंड द तुगलक डायनेस्टी, और उसके बाद जो है खिलजी समाज को हटाया गया, और कौन आ गया? तो तुगलक समाज आ गए उसके जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है खिलजी समाज का भी अंत हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ थिंग्स टू नो में जो रजिया सुल्ताना, क्वीन रुद्रमा देवी और क्वीन दीदा के बारे में जो दिया है उसे तुम्हें अपनी नोट में जो है 3 टाइम लिखना है। थैंक यू।